ये है मिस्टर रामफल। इनको भूलने की अजीब बीमारी है। ये किसी की भी पत्नी को अपनी पत्नी समझ लेते हैं। और ये हैं रामफल के पड़ोस में रहने वाले सेठ। इनसे मिलिए, ये है सेठ की पत्नी, थोड़ी रोमांटिक। मिस्टर रामफल की 3 मॉडर्न बेटियां। और ये है मिस्टर रामफल की पत्नी, सीधी साधी गृहिणी। रामफल का नौकर सरजू, जो सुख दुख में रामफल के साथ रहता है। यस मैम, और रामफल की पोजीशन क्या है? जी, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। मास्टर रामफल नहीं है? वो तो बड़ा बदतमीज है, मुझे 3 बार छेड़ चुका मुझे। डॉक्टर साहब कहाँ है? कैबिन में है। साहब नमस्ते। ये मेरे मालिक मास्टर रामफल हैं। इनको अजीब सी बीमारी हो गई है। ये अक्सर दूसरों की औरत को अपनी औरत समझ के छेड़ देते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दूसरों की बीवी। वेल, वो सबसे बड़ी ताकत मेरी बीवी। इस बीमारी में आपको कोई तकलीफ भी होती क्या? बस डॉक्टर साहब, मेरे को थोड़ा सा चक्कर आता है, उसके बाद मैं अपने होश हवास खो बैठता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। देखिए, बीमारी बड़ी गंभीर है। ये लीजिए, 1 कैप्सूल रोजाना लीजिए, धीरे धीरे आराम हो जाएगा। धीरे धीरे आराम हो जाएगा? इतने तो कई बार पिट जाएगा। 1 मिनट, ये लीजिए, इसे बाहर जाते वक्त अपने साथ रखना। ये क्या है डॉक्टर साहब? भूलने की बीमारी का सर्टिफिकेट। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। चलो जी। अशोक के मास्टर रामफल की छोरी के रिश्ता जोड़ के तेरी तो मौज होगी। अमन तो लगे तेरी घनी मौज होगी। करा तू बाबू शक्की बेटे बाबू बोले रह गया। अशक्की बाबू बेटे पागल रह गया। अरे सारे इंडिया के 10-10 के नोट इकट्ठे कर लूंगा। फिर के करेगा? फिर इन्हें 20-20 में बेचूंगा। मास्टर जी, वो डॉक्टर ने आपको बहुत बढ़िया दिया। क्या? कैप्सूल? नहीं, भूलने की बीमारी का सर्टिफिकेट। और याद रखे, किसी अनपढ़ ने फंस गया तो। उल। उल। अरे खा लो इतना गेड़ के।
कमाल हो गया सत्तू, कमाल हो गया। अरे क्यों हो गया, क्यों 100 की स्पीड तक बात जाम है? कमाल हो गया सत्तू, तुम तो बता सा एक अपने मालिक का बुलड़ की बीमारी से। अरे फिर क्यों हो गया? आज उसने ना तो कैप्सूल खा रखा था और ना चश्मा पहन रखा था। हाँ? फिर क्या था, मैं और मालिक मंदिर से पूजा करके आवा थे, अपना मालिक सेठ के घर ने अपना घर समझ के भीतर घुस गया और उसकी लुगाई को अपनी लुगाई समझ के जब फिर भर ली। अच्छा, अब फिर क्यों यहाँ? फिर क्या था, मैं तो लड़ाई शुरू होने से पहले एक कड़पा पुंजर धर के बाज आया। अरे मास्टर के बच्चे बाहर निकले, अखमर के बाहर निकले, अतरे चक्कर में मैं छतरी भी गिर आया। बाहर नहीं आता, मैं बाहर निकलते ही तू पिटता का मन है। शर्म नहीं आई रे तने, मेरी लुगाई ने छेड़ के बाज आया अखमर के। एक बार बाहर तो आ, तने फिर बताऊंगा दूसरे की लुगाई ने चुकर छेड़ा करे से अखमर के। अरे फिर क्या हो गया, जे तेरी लुगाई छेड़ दी तो तेरा घर तो छेड़िया और छेड़े बच्चे सॉरी भी मांग ली है, सॉरी भी मांग ली और फिर भी तो दिमाग खराब करने लग गया। याद रखिये मास्टर, याद रखिये, खून का बदला खून हो से अखमर के। ठीक से खून का बदला खून हो ऐसे तो छेड़न का बदला छेड़ना। कल आके तो भी मेरे लुगाई ने छेड़ लिए, जब आ जाइब इब तो मैं जाऊंसू तेने फिर देखूंगा। सरजू। हाँ मालिक। सरजू मेरी मास्टरनी किधर है? सरजू सवेरे की आपके बाढ़ देखा सर, अच्छी तरिया धुलाई करेगी आपकी। अरे के नहीं बकवास करे सर, हम खानदानी आदमी सा, लोग आते नहीं डरा करते। आप नहीं डरते? ना। पक्की बात से? हाँ पक्की बात से। बुलाऊं मालकिन ने? हाँ जब ला ले। मालकिन मालकिन। ओए अरे छोड़, बात ना बढ़ाया नहीं करते। आप तो कह रहे थे मालकिन से नहीं डरता। हाँ फिर क्या जरूरी से तेरे से हमें सारा सीन चल रहा है। मालकिन मालकिन। अरे ओए गणी बकवास करी तो नौकरी तो निकाल दूंगा। समझ गया मास्टर जी। अब मैं जाऊं सू, और जे तेरी मालकिन आ जाए तो चुपचाप मना बता दिए, मैं पिछले दरवाजे से अंदर जाऊं सू। ठीक है? ठीक से मास्टर जी। सांझने देखूंगा। ए मास्टर के बच्चे, छोटू को नहीं, छोटू को नहीं, साला मेरी लुगाई छेड़ रखी है अखबार का, जान तो मारूंगा रे। अरे ये तो नहीं आ सर। मास्टर जी ने भी अच्छा पंगा लिया सर इसकी लुगाई छेड़ के। अरे बाहर निकाल उसने अखबार के। इसका पता नहीं कौन सी चाबी लगा के सड़ा गया, बंद नहीं होता। क्यों गया चाचा? बता मिन्ने में 28 दिन मेरे घर ने अपना घर समझ के भी तरगुश जैसे और मेरी लुगाई का जाफी पर ले सा तेरा मास्टर। असल में सेठ जी उसके बुलड़ की बीमारी से। उसके बुलड़ की बीमारी से देख के राजीव के कवे से उसने पूरे मुल्ले में बस एक मेरा ही घर पावे से आँख मार के। जी जी क्या बच्चा? हाँ अरे एक मेरी लुगाई पावे से उसने छेड़ खतर आँख मार के। मैंने तो ऐसा लग गया है अगर यो जानबूझ के मेरे घर में घुसा है।
या तो बीमारी से उसकी। भाई अगर बीमारी से तो वो अपना इलाज क्यों नहीं करवाता हमारे का है? करवाया तो था, अस्पताल में भी दाखिल भी करवाया था। अच्छा, वहाँ जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उसकी लुगाई छेड़ दी। अच्छा रे, छह बार छेड़ा, पूरे छह बार। बता, छेड़ने में भी छिक्का मारे आँख मारे का है? एक तो नौ वाले का भी चौका मारा। के मतलब? मतलब चार बार नर्स भी छेड़ी। अपने मास्टर ने समझा लिए, मारा घर आ घुस के मैंने बोला भाई साहब आप बाहर जाओ, मैंने घर वाली तो जरूरी बात करनी से। मेरे तो बाहर जाए बाद याद आया एक मेरी घर वाली तो बात करनी से, बुला उसने और उसकी लुगाई ने बुला तोड़ी बुला। शेठ जी आप उसकी लुगाई नहीं छेड़ोगे? या भी कोई पूछने की बात है, मौका लग गया तो जरूर छेड़ हुआ हमारे के। गणा जी कर रहा सा छेड़न का। अरे तू बुला तो ले मखाई के बारे। मालकिन मालकिन। हाँ के बात है सुरजू? सेठ मामू आए हैं। आइए आइए सेठ जी। आगे मास्टर नीची मखा। ये कैसे आना हुआ? अपना छेड़न आया सा। हे बदतमीज बाहर निकल जा। आइए सेठ जी बैठिए, आइए ना। ला 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 ला। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तेरे खसम से मिलने आया सु। ईसा क्यों हो गया सेठ जी, इतने गुस्से में क्यों सो? बस कह दिया से, समझा ले अपने खसम ने, नहीं तो मैं अपने छोरे का रिश्ता थारे घर तक खत्म कर दूंगा। अरे इसी भी के बात होगी, कुछ मन ने भी तो बताओ। आज फिर मारा घर आ घुस गया और मेरी लुगाई ने अपनी लुगाई समझ कर जाफी भर ली। हाय या के मनमाई बीज मरने के, बस एक मिनट रुक जाओ। मास्टर जी सुनो सो के बाहर आओ। अरे सेठ जी के बात, कुछ परेशान से दिखो सो। मास्टर बेइज्जती की भी कोई दया करे से आंख मार के। अरे वो हद तू से, हट पीछे चल बाहर। मैं फिर कहूँ सु मास्टर नहीं समझा ले इसने आंख मार के। पहले तो हमारे घर में कुछ कमरी लुगाई ने छेड़ गया, अरे ये भी मेरी बेइज्जती करने लग रहे से आंख मार के। मैं खा समझा ले मास्टर नहीं इसने। हमने शर्म नहीं आती, एक तो इस बेचारे घर राजा किसकी लुगाई ने छेड़ा है और अब इसे पे रोब जमाओ सो। तो भगवान मैं कौन सा जानबूझ के घुसा था इसके घर? बीमारी से भूलन की बस भूल के घुस गया। और फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी तो मेरी जेब में है, न्यू कोई कच्चा काम नहीं करया करता मैं। कहीं बकवास न करे मास्टर, तू आज फिर मेरी लुगाई ने छिड़काया से आंख मार के। फिर या कोई नई बात है? वो तो क्या आप बीच में तट लो कराली। कराली? इनकी इनकी गलती होगी मास्टर नी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी से या ठीक करा मेरे पर टाल दी तने। जब तेरा भी लड़की से बीमारी से तो तू मेरी लुगाई ने बेबे क्यों नहीं कहता? इतना भी घना बीमार नहीं सू मैं, और जे बेबे कहने का घना शौक से तो तू कह लिया कर इसने बेबे। हाँ भाई साहब। अच्छा दूसरे की लुगाई ने छेड़न खातर तो जेब में मेडिकल सर्टिफिकेट कर ले घूम से। तू अपनी लुगाई ने नहीं छेड़ता, अपनी छोरिया ने नहीं छेड़ता? अरे उनको छेड़ने वाले बहुत से, मैंने सबका ठिकाना ले रखा। साला गालिब की मजार पे लगी हुई मोमबत्ती। मैं शायर भी हूँ मास्टर, आज तने शायरी में जलील करूंगा आंख मार के। हाँ ठीक है, आज अपना यो शौक भी पूरा कर ले तू, कर ले जितनी शायरी आती हो तने। मैं शायर तो हूं नहीं पर फिर भी तने शायरी में जरूर पिटूंगा। ठीक है, अर्ज किया है? अर्ज किया है, लो पहले डर गया, अर्ज कर रहा बताओ। अरे सुन ले मेरे बाप, खबरदार खबरदार जो ये इल्जाम मेरे पे लगाया तो। अगर आप मेरे घर पे छेड़ने आएंगे, अगर आप मेरे घर पे छेड़ने आएंगे, तेरे घर के सामने एक घर बनाएंगे, तेरी लुगाई
इसे बहन बनाएंगे। देखा मेरा एक लाइन का शेर। ये कोई शेर है? जोन सा चल गया वो शेर है। अच्छा तो तू बहुत बड़ा शायर है, तने तो गणी किताब पढ़ रखी होगी। अरे बावले शायरी किताब पढ़ने ते नहीं आती, बसे पढ़ो, रिक्शा पढ़ो, ट्रक पढ़ो, ट्रक पढ़ो, ट्रक ट्रक पे बहुत बढ़िया शेर लिखे पावा से। अच्छा मने शेर और शायरी में लगा के घर का सारे झगड़ा बुला दिया। कान खोल के सुन ले, जे आज पाछे मरे घर घुस के मेरी बहू छेड़ दी, मेरी लुगाई छेड़ दी, तो तेरे कट्टे झगड़ दूंगा मैं खमार के। ईसा क्यों हो गया? होना के था मास्टरनी, बस वाय भूलने की बीमारी लाग गई भूल, और सवेरे कैप्सूल खाना भी याद नहीं रहा मेरा, और फिर यू मनुष्य भी तो अपने पड़ोस में रवस है, भूल लाग गई, इसका घर की घंटी बजा दी, इसकी लुगाई आ गई, मैंने सोचा तू से है? मैं बोलिया डार्लिंग बहुत देर में कुंडी खोली। हाँ, हमारी लुगाई ने डार्लिंग कहा था। हाँ ईब लिया तेरे शामी कह दूंगा। मैं बोलिया डार्लिंग बहुत देर में कुंडी खोली, वह बोली खबरदार डार्लिंग ना कहिए, परन हट जा, सेठ ने देख लिया तो सहमत आ जाएगी अपनी दोनों की, न्यू करिए सवेरे अखबार वाला बनकर आ जाइए। भाई मन ने तो भूलने की बीमारी से है, पर उसके के बीमारी से है? अगर यह बात से तो आज मैं उसने जिंदा को नहीं छोड़ू, आज तलाक दे दूंगा सली ने आंख मार के। अच्छा इब घराली तो साली बना ली, सेठ तलाक अच्छी चीज नहीं होता, मेरे पास भेज दिए मैं अपने आप समझा लूंगा। और मास्टर जी यह बात गलत पाई तो मैं थारे ते अपने छोरे का रिश्ता तोड़ लूंगा। चल हट बाहर निकल मास्टर नी। अरे सुने है के भीतर तो स्प्रे लाके इसका ऊपर छिड़क दे, रिश्ते की मरोड़ करे से, तेरे जैसे रिश्ते वाले पता नहीं कितने फिरे से। फिर तेरी बेटी तक कौन ब्याह करेगा जी, हमने रिश्ता तोड़ दिया तो। पढ़ी लिखी छोरी से हमारी, और फिर भगवान की दया है, खानदानी आदमी सा खानदानी, और आगे घर में तो रिश्ते दरवाजा था आया करे से, पर मारे घर में तो रिश्ते रोशनदान था वैसे, छत्ता पे को आवे है, पाइपा पे को आवे से, सब भगवान की मेहरबानी है भगवान की। फिर तो तेरी छोरी भी किसी दिन पाइप पे को जाए पावेगी आंख में लेके। मुंह संभाल के बात करिए सेठ जी। हाँ और तम तेज का सामान खिड़की में को फेंक दियो, रोशनदान में को बटेऊ को टिक्का कर दियो आंख मार के। इब तो मैं जाऊं सु और जल्दी तेरा सगाई का सामान उल्टा भेज दूंगा। हाँ। मैं तो तुम ही से प्यार करता हूँ पारो, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा फिर मेरी बात ध्यान से सुन। एक क्या सौ बातें कहो जाने मन। मेरा बापू पुराने ख्याला का आदमी से और पुराने रीति रिवाज जाने पसंद करे से। डोंट वरी मैं सेट कर लूंगा। करवा दिया ना झगड़ा, अब तो बस गाय भी तोड़ गए। अरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत ना कर। तू कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। अच्छा बस मेरी बेइज्जती कर सकस है। अच्छा। मने बैस समझ के खुट्टा का बांध सकस है, छोरिया के रिश्ते वापस भिजवा सकस है, इस घर में मेरी हैसियत कैसे है, जानवर जैसे से जानवर जैसी। हाँ यह बात तो तने ठीक कही मास्टरनी, आदमिया की सदाए तब बिरान माटी होंदी आई से, अगर जानवर किसी आदमी ने खा ले तो उसको दरिंदा कहेंगे, और यो आदमी इब तक पता नहीं कितने करोड़ जानवरों को खा गया, इसने कोई नहीं कुछ कहता। चल अंदर, इब अपने जलसे की तैयारी करनी है। मैं तो तेरी इन पुरानी बातों से तंग आ चुकी हूँ। अच्छा
तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा। मैंने पुरानी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं से। बकवास करे से के मन्ने पुरानी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं से। जब पुरानी चीज पसंद नहीं से तो सबसे पहले तो अपने बाप ने बाहर निकाल। सबसे पुराना तो वो है इस घर में। देख तमीज से बात करिए। जे मेरे बाप के खिलाफ एक भी शब्द बोलिया तो ठीक ना होगा। समझ गया? अच्छी आई बाप वाली चीज के सहारो। क्या मतलब? क्या चीज है? हाँ, 6 महीने हो गए मेरे कमरे में घुसे हुए। बताओ मेरे कमरे में उस बूढ़े का क्या काम? एक तो मेरा बाप दवाई की खोज करन लाग रहा है, इससे सारी दुनिया ने फायदा होगा। पर मेरा तो नुकसान करन लाग रहा है। पूरी दुनिया ने फायदा होगा उस दवाई से, मेरा तो नुकसान करन लाग रहा है। मन्ने के फायदा होगा? तेने शर्म नहीं आती? जिंदगी बना दी उसने तेरी। अच्छा, उसने मेरी जिंदगी बना दी। भगवान का और मेरे बाप का कोई जिक्र नहीं। जिंदगी तो मन्ने बनाई से तेरी। मन्ने के खाक जिंदगी बनाई से तने। तू भूल गई अपनी औकात। कौन सी औकात? बस्ती में थारी छोटी सी झोपड़ी होया करती, और वो बाढ़ में बैगी थी। मैं बाढ़ में फंसे लोगों ने डबल रोटी बांधना आया था, और तू उछल उछल के कहती थी एक और दे दो, एक और दे दो। याद से जब मैं तो सेटिंग हुई थी अपनी, जब का फंसा होया अब तक दुख पा रहा हूं। अच्छा ठीक से चल अपने भाषण की तैयारी कर ले। भाषण की तैयारी कर ले? भाषण यू नहीं होता। छोरिया ने कह दिए परसों घर पर रहे। तने तो पता है सै, साल में आप एक बार अपने रीति रिवाज का जलसा करया करा सा। अपने जो पुराने रीति रिवाज से, और जो पुरानी चीज जिस तरिया गागरा ओढ़नी धोती कुर्ता और खिंडका दमन और आख्या की वा शर्म जिसने आजकल की नौजवान पीढ़ी भूलती जा रही से, उसने आज के दिन आप याद करया करा सा। याद से ये सब करने का हमारा यो मकसद है कि अपने पुराने रीति रिवाज और अपनी संस्कृति बची रहे। छोरिया ने कह दिए कि इस दिन घर पे ही रहे, कदे किसी के साथ घूमन चली जावे। ठीक से मैं यह कह दूंगी। ये इबके बार सेठ जी की लुगाई छेड़ी तो मैं सेठ जी के साथ चली जाऊंगी। मेरे इसे कर्म खड़े से मेरे आने के सारे रंडवे हो गए। भगवान का समीप तो इब तो उनमें बैठते आन भी मने शर्म आवे से। जे इतने गंदी लागू से तो मने जहर दे दे। अच्छा यो काम भी मैं करूं? एक आध काम तो खुद कर लिया करे। के कया यू कहूं सु अगर जहर भी मैं दे उतने। जा तेरे तो बात करना भी बेकार से। ओए होए तेरे नखरे। हट परे ने। हट 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 हिश हिश। कोनी छड्डू? आज कोनी छड्डू? बोला तेरे बाप ने। क्या? आज उसने मेरे बाप की भे 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 भेजती करके करता है निकाल दिया। आज है पता है क्या होया? तेरे बाबू आज तेरा बाबू आज मारे गया घुस के मेरी माँ ने छेड़न लग गया। अपनी माँ ने बोला छेड़ूगा फूला तेरी माने फूला। क्या तुम इतनी बूढ़ी औरत को छेड़ोगे? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? हाँ मन्ने कोनी हर मान दी। मैं पुरानी चीज़ का शौकीनू शौकीनू शौकीनू। हे भगवान, तेरी इन्हीं बातों से तंग आकर मैंने तुझे शादी ना करने का फैसला किया है। अच्छा अपनी सगाई बचपन में हुई थी, वो किस तरिया ब्याह नहीं करेगी तू? मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ, मैं नहीं करती तुझसे शादी। आंटी नमस्ते। के ज्ञान से बेटा? ठीक सु आंटी। आंटी तुम अपने आदमी ने समझा दी क्यों नहीं? क्यों हो गया बेटा? आपका आदमी मेरे घर आके मने मेरी माँ ने छेड़ 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 का जावस है। या तो बेटा इसका बीमारी से। मैं भी तने छेड़ूंगा, मेरा भी बीमारी से। के कया निकल यहां से। मैं तने छेड़ के जाऊंगा। अरे तू जल्दी कर निकल यहां से। चल 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 जल्दी कर यहां से। आंटी प्लीज मने छेड़न दे एक बार। अरे तू जल्दी निकल यहाँ से, जल्दी कर, चल चल तू जल्दी कर यहाँ से। हाय हाय रे हाय रे गना से।
हे भगवान, मम्मी तुम मेरी शादी इससे करोगी? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मालिक मालिक अखबार। हाँ हाँ अखबार लिया भाई लिया। हाँ लो। मल्लिका ने फिल्मों में कपड़े डालने का फैसला लिया। चलो चलो कम से कम फिल्मा में तो माहौल सुधरेगा। या खबर। अरे यू कैसे रहा है? या तो मार ये छोरी की फोटो दिखे से मुन्ने भी देखन दो। तन्ने भी देखन दो। हाँ। अरे यू तो मारा नाम भी लिख रखा सर है। नाम तो आप पे का लिखा सा मालिक। हाँ, मास्टर रामफल की लड़की कामनी की शादी ट्रैफिक पुलिस राम प्रसाद से होनी तय हुई है। अगर किसी को ऐतराज हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आए, टेंडर खुलने की तारीख। अरे यू कौन सा है जो मारी छोरी ने प्लाट की तरिया बेचन लाग रहा है? कौन सा यू? असल में मालिक है। हाँ। आप दोनों खबर एक साथ पढ़ गए। ओहो, यो अखबार वाले ही गलती से भाई। हाँ, सिया भी नहीं लगाते। हाँ। इन छोरिया ने भी दुखी कर रखा सू। यो कोई तरीका से घर आने का? इधर यो देख, यो अखबार में इश्तेहार किसने छपवाया है? कौन सा यो? ओहो डैडी, यो तो राम प्रसाद है, यो ट्रैफिक पुलिस में है। फिर तेरे साथ इसका के चक्कर से? मेरा इसके साथ कोई चक्कर को ना, मैं तो इससे तंग आ गई। मैं जड़े भी जाऊं मेरे पीछे पीछे लग गया रहा वैसे। अच्छा। हाँ डैडी। छेड़ा भी करे तने? हाँ डैडी, छेड़ा भी करे। और तने मेरे तक इब तक नहीं बताया इसका घर किस है? मना बता, मेरा भी बोलने की बीमारी है। इसका घर ऐसा घुसूंगा अब इसका बाप भी नहीं निकाल सकेगा मना बाप। बता कौन सा यू? डैडी, इसमें मेरा कोई कसूर कौन है? मैं जानता हूँ बेटी, यो तेरा कसूर कौन है? अरे यो जिसका कसूर से मन है तो वो भी बेकसूर लागे से। नहीं नहीं अंकल, मेरा यकीन करो, इसके पाछे तो चार चार गुंडे लाग रहे थे और वे इन्हें ठाणा चाहे थे। गुंडे? हाँ अंकल, चार। हाँ, मारी छोरी को ठाकर ले जाना। हाँ, चाहते अंकल, चार गुंडे थे वो। हाँ बेटा, मुझे कहो कि अंकल गुस्सा थूक दे। हाँ अंकल, गुस्सा गुस्सा थूक दो अंकल। हाँ ले बेटा, एक थू। तो तुमने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। अंकल, हाँ अंकल। हाँ? मैंने उनकी कार का नंबर भी नोट कर लिया। अच्छा, ला मैंने दे वो नंबर, आज गिरफ्तार करवाऊंगा रामजादा ने। समझ के रखा सा अपने आपने, शरीफ करा की बेटिया ने न्यू छेड़ा करा सके। कौन से में ला दे नंबर। हाँ, 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 अंकल ये लो। हाँ ला दो। आम वाले से 175 रुपए, अमरूद वाले से 150 रुपए। बेटा मैंने तो यह वो लिस्ट लागस है जो तने रेडी वाला से हफ्ता लिया होगा। डैडी, मेरे को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एक नंबर का जाहिल लड़का है। जाहिल गवार भी है बेटी, गवार है। देख बेटी, तेरे खातर यो रिश्वत लेना भी छोड़ देगा, और अपनी नहीं तो कम से कम अपने समाज की तो सोच। तेरे कारण एक रिश्वत खोर तो कम से कम कम होगा इस देश में, ये सारे देश के फायदे की बात है बेटी। डैडी, इससे कहो कि ये अपना हुलिया बदले और एक मॉडर्न लड़का हो जाए। बेटी किसी बात करे से, मन तो सीधे साधे लड़के पसंद है। लेकिन मुझे तो मॉडर्न लड़के पसंद है। पर मेरे को तो सादे लड़के पसंद है बेटी। डैडी, शादी मन्ने करनी है या आपने करनी है? अब आप मेरा फैसला भी सुन लो, मैं ब्याह कराऊंगी तो अपनी मर्जी से कराऊंगी,
और अपने मन पसंद मॉडर्न लड़के से कराऊंगी। बेटा मन ने तो बहुत कोशिश करी। हाँ अंकल। पर मेरी एक भी ना चली। हाँ जी हाँ आप। मगर बेटा तेरा तो नसीबे खराब है बेटा। नहीं अंकल आपकी तबीयत खराब है अंकल। ना ना बेटा तेरा मुकद्दर खराब है बेटा। नहीं अंकल आपकी छोरियों का माहौल खराब है अंकल। छोरे मने तो तू खराब लागे से। खराब मैं नहीं अंकल तेरा खानदान खराब से। मेरा ख्याल से बेटा तेरा खुन्ने खराब से। माफ करना बेटा हे तेरे गले में हाथ लग गया था। अंकल हाँ। आप तो बिल्कुल पागल हो गए अंकल। शट अप के बकवास कर रहे थे छोरे। यहाँ के तो किसी ने चिट्ठी करके बुलाया था। अगर मेरी छोरी ने बुलाया था। जी नहीं अंकल। तेरे साथ शादी करने का वादा करा था मेरी छोरी ने। नहीं अंकल। फिर तू बुलाया किसने था यहाँ? किसी ने नहीं अंकल। अच्छा अच्छा फिर तो तू अपने आप मेरी छोरी ने छेड़ना आया था। अंकल तो फिर खड़ा क्यों से बेटा? बैठ जा बेटा। कुछ ठंडा गरम चाय पानी कुछ समोसे वमोसे? नहीं अंकल। अरे इतनी दूर तो आया है बेटा और हमारी छोरिया ने छेड़ना आया है। थक गया होगा कुछ कुछ खाना पीना तो पड़ेगा बेटा। ले ठंडा मंगवाऊं सू। दो दो छोरी और से मेरी बेटा उनने भी छेड़ के जाइए। नहीं अंकल। देख ठंडा पेप्सी कोका कोला कुछ तो बोल बेटा। मैंने कुछ तो बोल। सरजू ओ सरजू आया मास्टर जी। हाँ कित मर गया था? इधर आ। अड़ाई था मास्टर जी। हाँ इधर आ सरजू। हाँ यो छोरा बहुत दूर थे अपनी छोरिया ने छेड़ना आया से। इसके वास्ते ठंडा कोका कोला एक बाल्टी में गाल के लिया। साथ में एक लठ भी ले आइए। खाना पियाना भी तो हो जाएगा। ठीक से मास्टर जी। अंकल मैं एक शरीफ खानदानी छोरा हूँ। अरे यू की ग्रेस है? ले मेरे रुपए उल्टे दे। चलो लोग का पता लिए थे इसने ले लिए तो कोई बात नहीं। चाली बाजा ऐसे चल बाजा। सवेरे में अपने रिश्तेदारों ने लेके आऊंगा अंकल। जा बाजा। बता ड्यूटी तो बताओ था फुवारा चौक पे और टोपी में पाए सुताईस रुपये। ला मने दे रुपये तेरी बेटी ने छेड़ना आया था। हाय डैडी ये लड़का खड़ी खड़ी होगा बात कर खड़ी होगा। हाँ ये बता कौन सा यू? ये कृष्णा से हरियाणवी सीडी में काम करता है। आजकल जिसने देखो कांधे पर छोटा सा कैमरा ठाए तरह से और कहेंगे हरियाणवी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। उन बेवकूफों को यू तो पता नहीं कि फिल्म अलग अलग तरीके से बनती है और सीडी अलग तरीके से। अंकल मेरे अंदर ये खूबी है। हाँ मैं पूरी हरियाणवी सीडी एक दिन में बना सकता हूँ। अच्छा पहले क्या करते थे भाई तुम? जी पहले मैं ऑडियो कैसेटों में काम करता था। जबे तो सीडी में तेरे हाथ कहीं चलते हैं और होठ कहीं चलते हैं। एक्टिंग का मतलब पता नहीं होता। क्या मतलब होता है एक्टिंग का? लिपसिंग भी मिलानी नहीं आती बेवकूफ को। तेरे जैसे कलाकारों ने सीडी में गंदा बोल के हमारी हरियाणवी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। खबरदार जो जे यूं कहा कि हरियाणवी सीडी में काम करता हूं। मने ऐसे घटिया कलाकार बिल्कुल पसंद नहीं। तमीज से बात कर बुड्ढे। मेरा नाम केके है। अरे कुछ तो शर्म कर ले बढ़िया का सामने यूं उछल उछल के बात करे कुछ तो शर्म कर ले। माफ करना अंकल ये तो मेरा स्टाइल है। अच्छा स्टाइल है। मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और आपसे इसका हाथ मांगने आया हूँ। या मारी छोरी से कोई बीड़ी का बंडल कोनी अक मांगिया और ठाका पकड़ा दिया। जा अपने बाप ना बुला के लिया ओ मारे साथ रिश्ते की बात करेगा फिर सोचांगे ब्याह के बारे में ब्याह करना सह नहीं करना। चल बात जा। ठीक है जानी अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बाप को बुलाकर लाएं जानी लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। हम आपकी बेटी से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारी मोहब्बत के रास्ते में कोई आया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे जानी समझे।
बाहर निकल ले तू, यू तो बता दे मोटे कद बाहर निकलेगा। तमीज से बात नहीं कर सकता तू? कह दे अपने बाप ने के बाहर निकलेगा, 9 महीने हो गए मेरे कमरे में घुसे ना, पता नहीं भीतर के बिल खोते से। मेरे बाप एक वैज्ञानिक से और एक नई खोज करने लाग रहे से। अच्छा तो भगवान मेरे कमरे में घुस के क्यों करे से? बाहर करनी चाहिए सारे का शामी। खोज नुए कोनी करी जा कर से, तन्ने की तकलीफ से, फिर मन्ने की तकलीफ से, मन्ने कपड़े बदलने से और मेरे कपड़े अंदर रखे से। मन्ने कपड़े बदलने से? बेटी बेटी, या तो मेरे बाबू की आवाज लाग गए से। अरे के हो गया यू? बेटी तजुर्बा कामयाब होगा, बेटी तजुर्बा कामयाब हो गया। भाई मन्ने एक नई चीज बनाई से। के बनाया से आपने? एक इंजेक्शन बनाया से, इंजेक्शन। बस एक इंजेक्शन बनाकर राजी हो गया? रोज डॉक्टर पता नहीं कितने कितने इंजेक्शन बनावा है, हर कितने इंजेक्शन लावा है, पानी के बिरानी क्या क्या के। ये इसे इंजेक्शन से बेटा इसने लगा के आदमी जिसे अच्छा होगा उसे बन जाएगा। हाँ। इसका मतलब आपने नई किस्म के इंजेक्शन बनाए से? भाई मैंने फिल्म इंजेक्शन बनाए से, फिल्म इंजेक्शन। फिल्मी कलाकार का इंजेक्शन बनाए से? हाँ बेटा हाँ। मतलब कोई अमिताभ बच्चन का इंजेक्शन लगवा ले तो वो अमिताभ बच्चन जैसा हो जाएगा? हाँ, थोड़ी देर के खातिर तो वो उषा बन जाएगा। तो आप न्यू करो, मेरे तो अमिताभ बच्चन का इंजेक्शन ला दो और इसका जयबाद का ठोक दो, अमरीश पुरी का इंजेक्शन आप ला लो। मजाक ना कर बेटा। जे यो मजाक से तो आप एक ऐसा इंजेक्शन बनाओ जिसकी आज पूरे समाज ने जरूरत है। वो इंजेक्शन बनाओ, वो प्यार प्रेम का इंजेक्शन बनाओ, आपसी भाईचारे का इंजेक्शन बनाओ, एक दूसरे की इज्जत करण का इंजेक्शन बनाओ। बस एक यो इंजेक्शन बना दो तो पूरी दुनिया आपका यो एहसान सदियां तक याद रखेगी। तो घड़ा परेशान ना हुआ बेटा, जल्दी है मैं ईशा भी इंजेक्शन बना दूंगा। मन्ने आप तो पूरी उम्मीद से। इसे बात पर कुछ मुंह मीठा हो जावे। हाँ मिठाई। हाँ हाँ भाई, आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बटेगी भाई। हाँ हाँ ठीक से, मिठाई मंगवाओ। हाँ इबे मंगवाओ, एक मिनट रुक, इबे मंगवाओ मैं, एक मिनट। सरजू, आ सरजू। ओए चौधरी, ओए बताओ चौधरी किधर है तू? अरे अरे इसका हाथ में तलवार। अबे ओए चौधरी। अरे सरजू, अरे मैं चौधरी नहीं, मैं तेरा मालिक सू, मास्टर सू, मास्टर। ओए चौधरी बता मेरी माँ का दुपट्टा किधर है? ओए मन्ने के पूछे से अपनी माँ ने पूछ जाके। ओए बता मेरे बाप का कातिल कौन है, जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा क्या घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देंगे। हाय यू के कर लग रहे से। अरे सरजू के बच्चे, ये क्या हो गया तेरे? मैं सरजू नहीं हूँ। तो फिर कौन से तू? मैं शॉट गन शत्रुघ्न हूँ, शत्रुघ्न समझे? ओए आज मैं तेरी छोरी ने उठा के ले जाऊंगा। छोरिया ने उठावेगा? तेरी हिम्मत क्यों करोगी मेरे शामी बोलने की? यो के कर दिया तन्ने इसका, तेरे कमरे में तो निकला था यो के कर दिया, हाथ में तलवार लेकर आया, मेरी छोरी ने उठावेगा। कुछ नहीं कर भाई, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं सर। अच्छा जब ये मेरी रोटी लेके गया हाँ। तो मैं भीतर इंजेक्शन तैयार कर लग रहा था। अच्छा मैंने सोचा कि इन पे तजुर्बा करके देख लू। मैंने इससे पूछा तेने कोई फिल्मी कलाकार पसंद से? अच्छा फिर क्या होया? जो बोला मैंने शत्रुघ्न बहुत अच्छा लागा से हाँ। बस मैंने पूरा भर के ठोक दिया, बस जब का शत्रुघ्न पढ़ के हंडल लाग रहा से। पर इस इंजेक्शन का असर कितनी आन में खत्म होगा? बस 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा यो। अरे 10-15 मिनट में तो यो मेरी सारी छोरिया ने ठा लेगा। ओए मैं तेरी छोरी को उठाऊंगा चौधरी। अरे मेरे पास है क्यों पड़ रहा से, जिसने इंजेक्शन बनाया से उसकी छोरी ने ठा ले।
देखिए देखिए सर, जूने ठीक हो गया कि नहीं ऐसा? यो बुड्ढा भी पता नहीं कैसे कैसे इंजेक्शन लगावा से, यो झगड़ा करवावा का जरूर। मास्टर जी मुझे माफ कर दो मास्टर जी। अरे कोई बात ना सरजू, कोई बात ना, इसमें तेरी कोई गलती ना थी, यो तो इंजेक्शन है कमाल का था भाई। अरे सरजू तने तो पता है इब की बार इलेक्शन में अपने टिकट मिलन वाली है, और मैंने भाषण भी बोलना है, सभा को संबोधित करना है। हाँ तो एक काम कर, मेरे कपड़े प्रेस करवा दे। हैं हाँ, कपड़े प्रेस करवा दे, उसके बाद इलेक्शन में तैयारी के लिए चल। ठीक है जी। बहनों बहनों बोल दूं? फिर तो जलसे में बैठी सारी लुगाई आपकी बहन हो जाएगी मास्टर जी। यार आपने कौन सा दिल था बोलना से? हाँ। आपा मंत्री सा। हाँ फिर ठीक से, फिर ठीक से। हाँ प्यारे भाइयों और सरजू की बहनों, आज का यो जलसा एक जबरदस्त जलसा से, इस जलसे के माध्यम से मैं आपको मैं कहना चाहूंसू कि अपने घर और आस पड़ोस में अमन शांति कायम करो, एक दूसरे की मदद करो, घराने जलाने की बजाय बसाना सीखो, नफरत की जगह प्यार बांटो। जब हम सारे प्यार से मिलकर रहेंगे तो नफरत भी प्यार में बदल जाएगी। बुरे काम मन छोड़ के अच्छे काम करया करो, ये तो वे शब्द है जिन तक वोट मिलेंगे। अच्छा ही दूसरे पैर पाव। हाँ हाँ जो ठीक से। हाँ ठीक से। हाँ ये बहनों वास्ते कहूंगी। हाँ ठीक। हाँ मेरी प्यारी सरजू की बहनों और माताओं, मने यो देख के बहुत दुख हो रहा है कि सभा में ना कोई चुनरी ना कोई दमन रहे, आज घर में आज घाघरे की जगह जींस की पैंट टंगरी से लुगाई पहले वाले ओले पर्दे में रह कर दी। तो क्यों रो है विधान बोले रोड़ दे, आज न्यू खुले मुंह फिर से उस टाइम छोरे भी छेड़नता डरा कर दे, अक्का दे उल्ले मैं अपने घर का सामान तो नहीं। वे जुल्फे और वे चोटी कड़े गई जो नागिन की ढाल कमर पर पड़ी रहा कर दी, इस फैशन ने हमारी सारी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। प्यारे भाइयों पहला छोरी बहू घर में रहा कर दी, पर आज पार्टियां में फंक्शन में छोरिया के हाथा में हाथ डाले घूमे जासे। मेरी तारते अपील से अकने फैशन ने छोड़ के अपनी पुरानी रीति रिवाज जाने फिर से अपना लो, अपने माँ बाप की इज्जत की न्यू बिरयान मट्टी ना करो, कम बख्त मारियो। हाय डैडी, मैं क्लब जाऊं सू, रात ने वार हो जा तो सोच ना करियो। जा बेटी जा, शाबाश। और अकेली ना जाइए, अपने साथ एक आध दोस्त ने लेके जाइए, वार हो जाए तो कोई बात ना। ओ दूसरा की छोरिया ने कह रहे हो कि ग्राम में रहो पर्दा में रहो है, छोरा गल्ला ना फिरो, अरे अपनी छोरी ने कलबा में घुमा रहे हो है। अरे सरजू हम लीडर सान लीडर है, हम पागल थोड़ी सा। अच्छा अग जो कहोगे वही करेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, मैं आ रहा सू, और जे एक मैं आ गया तो फिर उल्टा नहीं जाऊंगा। मैं थारे ते वादा करता हूँ, जे एक बार मैं सत्ता में आ गया तो जो सड़क बन रही है उन्हें तुड़वा का फिर बनाऊंगा। तोड़ के बनवाओगा? हाँ क्यों मास्टर जी, उनके ठेकेदार ने तो कमा लिया यारी, मारे भी तो ठेकेदार कमाएंगे। हैं और मैं पतियों से कहना चाहूंगा कि अपनी लुगाइयों ने गना सिर पर ना बिठाओ, उनते दबा के रखो, जे गाड़ी बोल रहा तो गुद्दी पीछे मारो, जब दबे सुखते रह सकेंगे। डार्लिंग हाँ मैं बाजार जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ खरीदारी करके ले आऊ। 50 साल पुराने हीरो कार ओनली ओन 50,000 रुपए में मिल रहा है। हाँ ठीक है, अलमारी में तो पिस्तौल ले जा, बैंक में तो पीछे लिया जा।